सो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये है कावासाकी की निंजा 300 और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बाइक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं, इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन, इसकी ऑन रोड प्राइस, इसका एग्जॉस्ट साउंड, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स वॉच दिस वीडियो। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बाइक के लुक्स और डिज़ाइन से। तो सबसे पहले इसकी की देख लो, कुछ इस तरह की की आपको इस कावासाकी निंजा 300 में मिलती है। तो लुक्स वगैरह के बारे में बात करें तो फुली फेयर बाइक है ये, जिसमें कम्प्लीटली जो फेयरिंग का यूज़ है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पर आपको निंजा 300 के स्टिकर्स देखने मिल जाते हैं, कावासाकी रेसिंग टीम का स्टिकर आपको यहाँ पर मिलता है। ये रेसिंग टीम एडिशन है, इसमें एक और एडिशन आता है जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर इसके रियर प्रोफाइल में चले तो यहाँ पर भी इसकी जो टेल लाइट की डिज़ाइन है बहुत ही अच्छी है। तो कम्प्लीटली ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है इस बाइक में, ब्लैक और ग्रीन दोनों मिक्सचर का ये कलर आपको इस कावासाकी निंजा 300 में मिलता है। एक कलर आप लोग ये देख रहे हो, ये इनका ओरिजिनल कावासाकी का जो कलर आता था ग्रीन, वो वाला है। इसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे आगे, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर इसकी जो हेडलाइट्स है ये आप लोग देख सकते हो, ऐसे ड्यूल शेप में मिलती है, जिसमें आपको यहाँ पर हेलोजन लाइट्स मिलती है। मैं लाइट्स आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह की इसमें लाइट्स मिल रही है। तो ये आप लोग देख सकते हो हेलोजन बल्ब का यहाँ पर मिलता है, जो इसके DRL से, इसमें भी आपको हेलोजन लाइट्स मिलती है। और तो ये इसकी लाइट की इल्यूमिनेशन है, जिसमें आपको हेलोजन लाइट्स का यूज़ देखने मिल रहा है। और वहीं बात करें टर्न इंडिकेटर्स के बारे में, तो ये भी यहाँ पर बॉडी में इंसर्ट है, आप लोग देख सकते हो। इसमें भी आपको हेलोजन लाइट्स का यूज़ मिलता है, दोनों तरफ के इंडिकेटर्स हैं। ये वाला भी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको इस निंजा 300 में इसकी लाइट्स ऑफर की जा रही है। अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे अगर आप लोग इसकी टेल लाइट्स देखोगे तो इसमें भी आपको हेलोजन लाइट्स का यूज़ देखने मिलता है, और जो टर्न इंडिकेटर्स है इसमें भी आपको हेलोजन लाइट्स का यूज़ देखने मिल रहा है। और यहाँ पर एक लाइट दी गई है जो कि नंबर प्लेट के लिए है। तो बाइक में कम्प्लीटली आपको हेलोजन। अब बात करते हैं इस बाइक के टायर्स, इसके सस्पेंशन और इसके ब्रेकिंग ड्यूटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के फ्रंट से। तो अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो MRF के आपको इसमें टायर ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो कि 110/70 सेक्शन के मिलते हैं। इसमें आपको 17 इंच का अलॉय व्हील ऑफ़र किया जा रहा है फ्रंट में। वहीं बात करें डिस्क ब्रेक के बारे में, तो 290 mm की आपको इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल रही है, साथ ही के साथ फ्रंट में ABS भी मिल रहा है। आप लोग ABS का स्टिकर यहाँ पर देख सकते हो। वहीं बात करें इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इस बाइक में ऑफ़र किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं रियर टायर के बारे में, तो पीछे भी आपको MRF का ही टायर ऑफ़र किया जा रहा है, जो कि आपको 140/70 सेक्शन का मिलता है। ये भी 17 इंच का ही अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल रहा है पीछे। और वहीं बात करें पीछे के डिस्क ब्रेक के बारे में, तो 220 mm की डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर देखने मिलती है। यहाँ पर भी आपको ABS दिया गया है, यानी कि बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS ऑफर किया जा रहा है। और वहीं बात करें रियर सस्पेंशन के बारे में, तो पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। तो देख लो पूरी वर्टिकल पोजिशन इसकी रखी गई है, तो स्टेबिलिटी के मामले में इस बाइक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं निंजा 300 के इंजन के बारे में, तो इसमें जो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट आपको ऑफर किया जा रहा है वो है 296 cc का। और वहीं बात करें इस इंजन के मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, तो करीबन 38.8 bhp का आपको पावर मिल जाता है इस बाइक के साथ 10,000 rpm पर। और वहीं बात करें इसके टॉर्क के बारे में, तो करीबन 26.1 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिलता है। और इस इंजन के अगर ट्रांसमिशन के बारे में बताना चाहूँ, तो 6-speed गियर बॉक्स के साथ इसमें आपको इसका इंजन ऑफर किया जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ गियर्स आपको इस बाइक में 6 देखने मिलते हैं। और इसी के साथ इस इंजन में आपको असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी देखने मिल जाता है, और ये इंजन आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर किया जा रहा है। तो इंजन के मामले में भी ये बाइक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, 38 bhp का जो पावर ये बाइक निकाल के दे रही है, तो ये भी अपने आप में कमाल है। इस बाइक के अगर माइलेज और टॉप स्पीड के बारे में बताऊँ, तो करीबन 26 से लेकर 30 km/l का आप लोग माइलेज इस बाइक के साथ उम्मीद कर सकते हो। और वहीं बात करें इस बाइक के टॉप स्पीड के बारे में, तो करीबन 150 से लेकर 160 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक के साथ इजीली मिल सकती है।
तो गाइस कावासाकी निंजा 300 के अगर चेसी फ्रेम के बारे में बताऊं तो इसमें ट्यूब डायमंड स्टील फ्रेम लगा हुआ है। ये फ्रेम भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबिलिटी इस बाइक में बहुत ही अच्छी आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं इस बाइक के टॉप व्यू के बारे में, यानी कि इस बाइक के सीट वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, स्प्लिट टाइप की सीट मिलती है, दोनों ही सीट में जो गैप है वो भी अच्छा खासा है, ये बहुत ही ज़्यादा है। तो जो पिलियन है उसको थोड़ा हाइट होगा, पिलियन के लिए थोड़ी हाइट रखी गई है। और कुशनिंग वगैरह के बारे में बात करें तो ये सॉफ्ट कुशनिंग यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर थोड़ी सी हार्ड कुशनिंग आपको ऑफर की गई है। साथ ही के साथ ग्रैब रेल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि एक अलग ही डिज़ाइन में आपको इस बाइक के साथ मिल रहे हैं। बात करें इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो सेमी डिजिटल कंसोल आपको इसमें मिलता है, जहाँ पर ये जो टेकोमीटर है ये आपको एनालॉग में ऑफर किया जा रहा है, और स्पीडोमीटर, ट्रिप वगैरह, फ्यूल गेज, क्लॉक, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल में मिलती है। इस तरफ आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन, यहाँ पर आपको इंजन ऑयल का इंडिकेशन, टर्न इंडिकेशन का आपको सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है। इस तरफ आपको इंजन मेल फंक्शन, ABS की लाइट यहाँ पर आपको ऑफर की जा रही है, और जो कंट्रोल्स वगैरह है तो वो बटन्स आपको यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ से आप लोग ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हो। तो कंसोल भी बहुत ही अच्छा है, बाकी लॉक वगैरह आपको हैंडल में ही इंसर्ट मिलते हैं। तो क्लिप ऑन हैंडल बार आपको इस बाइक में ऑफर किया जा रहा है। इस तरफ आपको इंजन किल स्विच मिलता है, नीचे सेल्फ का ऑप्शन दिया गया है। ब्रेक लीवर्स देख सकते हो जो कि एडजस्टमेंट के साथ नहीं ऑफर किए जाते हैं। बाकी इस तरफ आपको हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर का सिग्नल, हॉर्न का बटन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आपको पास स्विच दिया गया है, और ये इसका क्लच लीवर, ये भी आपको एडजस्टमेंट के साथ नहीं मिलता है। इस बाइक के मिरर है जो आप लोग देख सकते हो, काफ़ी शार्प है जिसके साथ आते हैं, तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसके मिरर ओपन होते हैं, तो आप लोग देख सकते हो। बाहर तरफ आपको एक बड़ी सी विंडस्क्रीन भी मिल जाती है, तो एयर ब्लास्ट वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी इसकी ये विंडस्क्रीन। तो गाइस मुझे बताओ आपको कावासाकी की ये निंजा 300 कैसी लगी। एक कलर आपको ये मिलता है, एक और कलर ऑप्शन से होता है जो कि ब्लैक कलर है, जिसमें ग्रीन का यूज़ काफ़ी कम किया गया है। तो अगर पॉसिबल होगा तो वो वीडियो भी आपको, उस बाइक की वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। गाइस कावासाकी निंजा 300 के कुछ डायमेंशंस और इस बाइक के कर्व वेट के बारे में बताऊं, तो इस बाइक में जो कर्व वेट आपको मिलता है वो है करीबन 179 kg का। तो बाइक ज़्यादा हेवी भी नहीं है। वहीं बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो 140 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जा रहा है। इस बाइक की जो सीट हाइट आपको ऑफर की जा रही है वो है 780 mm की। तो शॉर्ट हाइट वाले भी इस बाइक को ईजीली राइड कर सकते हैं। फुली फेल्ड बाइक है, तो ज़्यादा शॉर्ट हाइट वालों को तकलीफ़ नहीं होगी इस बाइक के साथ। आप लोग इजीली मनोवर वगैरह कर सकते हो, टर्न वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लिप ऑन हैंडल बार आपको इस बाइक में ऑफर किया जा रहा है, तो काफ़ी इजीली टर्न वगैरह इस बाइक के साथ आप लोग कर सकते हो। बाकी फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो 17 लीटर का आपको इस बाइक में फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो टैंक साइज़ भी बहुत ही अच्छी इसमें आपको दी जा रही है, सफिशियंट है। इतना टैंक लीटर तो आपको एक 300 cc की बाइक में चाहिए। तो गाइस कावासाकी निंजा 300 के अगर प्राइस के बारे में बताऊं, तो जो प्राइस आप लोगों को बता रहा हूँ ये ऑन रोड मुंबई प्राइस है। अगर आप लोगों को अपने सिटी में इस बाइक की प्राइस जाननी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस निंजा 300 की जो ऑन रोड मुंबई प्राइस है वो है करीबन 419,000 के आसपास। प्राइस थोड़ी बहुत नेगोशिएबल हो सकती है अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करते हो कावासाकी कल्याण में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर कॉल करो, और आपके जितने भी डाउट्स वगैरह है, टेस्ट राइड लेनी है, बाइक भी अवेलेबल है, टेस्ट राइड भी ले सकते हो और इस बाइक को बुक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कावासाकी कल्याण के शोरूम में आप लोग विजिट करो और इस बाइक को जल्दी से जल्दी बुक करो। तो गाइस अब आप लोग कावासाकी निंजा 300 का एग्जॉस्ट साउंड सुन लो, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना इसका एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, की आप लोग ने देख ही ली, कुछ इस तरह की मिलती है आपको इसमें। तो अभी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इंजन किल स्विच है। तो कैसा लगा इसका साउंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो बहुत ही बेसी है, लाउड थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी बेस बहुत अच्छा इसके एग्जॉस्ट में मिलता है इसकी। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जरूर जाना, शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।